Idam sariram satasandhi jar jaram patati avasyam parinam apesalam kimaushadham prichyase murodhuramati niramayam krishna rasayanam idam sariram satasandhi jar jaram patati avasyam parinam apesalam kimaushadham prichyasi mudo durmati niramayam krishna rasayanam pivo. Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupad Jagat Guruji ne bataye baddha jeev apna samasya ka samadhan khod nahi kar pate. अपना मंगल का खोज में चले बद्ध जीव फिर भी अमंगल अमंगल ही मिलता है. गौरीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गौरीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी पोपा जी ने बताए बद्ध जीव अपना मंगल का चेष्टा करने से भी अपना मंगल नहीं कर पाते. मंगल करने जाए तो फिर भी उल्टा हो जाता, अमंगल ही अमंगल मिलता है. मंगल का पूरा गुरुभार मतलब जुमा अगर गुरु गुरु चरण में वैष्णव चरण में गुरु चरण में दिया जाए तो एकदम बिल्कुल निश्चिंत होकर रह सकता, लेकिन ये हो नहीं पाते. बद्ध जीव अपना मंगल का पूरा जुमा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर गुरु चरण में वैष्णव चरण में दे दे तो एकदम बिल्कुल निश्चिंत होकर रह सकता है. कीर्तन में जैसे भक्ति में ठाकुर जी कहे आत्मनिवेदन तुआ पदे कोरी हईनु परम सुखी दुख दूरे गेलो चिंता न रहिलो चौदी के आनंद हरी. ऑल अराउंड ब्लिसफुल सिचुएशन ऑल अराउंड आनंदमय जगत. आत्मनिवेदन नहीं होने से बेचैनी कभी भी हटेगा नहीं, संभव नहीं. और बद्ध जीवों का यही अभिमान है कि हम सबसे बड़ा बुद्धिमान है. ये सारे बद्ध जीवों का यही विचार है, हम सबसे बड़ा बुद्धिमान है. श्रीला सच्चिदानंद भक्तियों ठाकुर कहते हैं तमाम आदमी सोचते हैं कि हम बुद्धिमान है ज्यादा. हाँ तो है बुद्धिमान तो जरूर है, लेकिन अपना हिसाब से according to their own estimation. भगवान का हिसाब से गुरु वैष्णव का हिसाब से ये बुद्धिमान नहीं माना जाएगा, इसको बुद्धिमान नहीं माना जाएगा. भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहे हम तो पहले ही कह दिया ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषीनम यत सत्यम अनृते नेह मर्ते न अपनति अमृतम. उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषी चा मनीषीनम, बुद्धिमानों में वो पक्का बुद्धिमान, मनीषियों में वो पक्का मनीषा रखने वाले हैं जिन्होंने ये दो दिन का जिंदगी प्राप्त करके वास्तव अमृत प्राप्त करने के लिए प्रचेष्टा में लगे हुए हैं, ये वास्तव बुद्धिमान है. बाकी दुनिया बुद्धिमान नहीं है. जगतेर बृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जगतेर पिता कृष्ण जैन भवे भजे बाप पितृद्वही पातकेर जन्मे जन्मे ताप. बांग्ला में लिखा है बृंदावन दास ठाकुर महाशय श्री चैतन्य भागवत में
जगतेर पिता कृष्ण, ऐसे हिसाब किया जाए तो अनंत करी ब्रह्मांडों का तो एक ही सोर्स है, सोर्स मान ना पिता। रागानुगा भजन में हम पिता मान के चले ऐसा नहीं, ऐसे ओवरऑल विचार किया जाए तो ठीक ही बताए। जगतेर पिता कृष्ण जैना भजे बाप, अनंत ब्रह्मांडों का पिता है कृष्ण। तमेव माता च पिता तमेव, ये तो सिद्ध हुआ। और जो ही भगवान का भजन ना करे वो पितृद्रोही, वो पितृद्रोही बन गया और जन्म जन्म में उसका आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक तापी जो है आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक तापी जो है तो आते रहे बिल्कुल। तमाम दुनिया सोचते हैं कि हम ज्यादा बुद्धिमान हैं और सांसारिक मनुष्य का यही स्वभाव है। अगर किसी समस्या में फंस गया, समझो कि अपने को बुद्धिमान तो मानता ही है, फिर भी किसी ऐसा समस्या में फंस गया तो क्या करे? बड़े बूढ़े का पास की इम्पोर्टेंट कोई आदमी का पास, दोस्त को पास अपना सलाह लेने के लिए पहुंच गया, तो ऐसा स्थिति हुआ है तो बताओ अब क्या किया जाए। लेकिन वो जो उपदेष्टा जिनके पास ये पहुंचे उपदेश लेने के लिए, ये उपदेश अगर अपना मनमानी हो तो ग्रहण करे, अपना मन का मुताबिक हो, अगर ना हो वो छोड़ दे। ऐसा हमारा उपदेश लेने का चक्कर, हमारा शरणागति का इतिहास। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कभी नहीं दिखाया, यहाँ तक कि स्वयं परात्पर अखिलेश्वर अनंत ब्रह्मांडनाल होते हुए भी द्वारिका लीला में वृंदावन ने बहुत सारे जगह उपदेश मांगा उद्धव, ऐसा स्थिति आ गया, इसी स्थिति में क्या करना चाहिए आप बताओ थोड़ा विचार करके। उद्धव जी जो उपदेश दिए हैं ठाकुर जी इसको टाले नहीं, इसको ही ग्रहण किए। मानो कि ठाकुर जी प्रमाण कर रहा है कि अगर उपदेश लेने के लिए, वास्तव उपदेश लेने के लिए किसी के पास पहुंचा तो वो जो है उसका उपदेश ग्रहण करना चाहिए। बद्ध जीवों को उपदेश दे तो हो ही नहीं सकता, फिर भी ओवरऑल एग्जाम्पल है। उपदेश तो एकमात्र गुरु वैष्णव, भूत भविष्यत त्रिकालज्ञ, भूत भविष्यत वर्तमान को सामने रख के विचार करने वाले जो है गुरु वैष्णव, वो उपदेश दे सकता है। फिर भी बद्ध जीवों का जो हालत है ये बता रहा है, अगर उपदेश लेने के लिए पहुंचा किसी का पास, ये उपदेश अगर अपना मनमानी हुआ, मन का मुताबिक वो ग्रहण किया, और अगर मन का माफिक नहीं हुआ तो छोड़ दे। शरणागति भी ऐसा कितना दिखाएंगे बोलो, हजारों हजार ऐसा केस है। विशेष करके वर्तमान भजन समाज में तो ऐसा ही है, किसी भी हालत पहुंचे सामने ते हालत का मुकाबला करना बहुत मुश्किल। भजन समाज में अभी जो अवस्था है, गुरु ग्रहण कर लिया, गुरु ग्रहण करने का पहले का जो कंडीशन है, गुरु ग्रहण करने के लिए जो हालत है हृदय का, गुरु ग्रहण करने का बात क्या करना चाहिए, ये सब उपदेश का कोई बात ही नहीं। महाराज ये दिखा ले, हरिनाम दे दो, इसको संन्यास दे दो, ये लोग बिगड़ रहा है पूरा हालत को। दे वुड बी पनिश्ड हेवीली फॉर मेकिंग द कंडीशन गोइंग डाउन एंड डाउन, ऐसा हालत है। सोचने का बाहर, कहने का मतलब ये है, दीक्षा लेने का समय में जो हृदय का हालत होनी चाहिए,
दीक्षा लेने का पहले, दीक्षा लेने का बाद, कैसे कैसे ये सब कोई बहुत सारी विचार करके ये चलना है अभी, नहीं तो हालत बहुत खराब, क्या किया जाए। सही ढंग से अगर दीक्षा हो पाते, दीक्षा का मतलब दिव्य ज्ञान का उन्मेष, दिव्य ज्ञान का प्रकाश, ये अगर हो जाए तो समाधान तो अपने आप हो जाए धीरे धीरे। आत्मनिवेदन पक्का होने से और कोई समस्या है नहीं। मेरा जुमा गुरुजी का हाथ में दे दिया, गुरुजी हमारा हमको पार करने का जुमा ले लिया, यही बात है। और दिव्य ज्ञान जरूर, आत्मनिवेदन अगर पक्का हुआ तो इसमें दिव्य ज्ञान उन्मेष होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता, ये हो ही जाएगा, इसके लिए कोई चिंता नहीं। जो श्लोक बता के रखा वो बढ़िया श्लोक है, ये शरीर अर्जुन का जो हालत है, अर्जुन को जो शरीर तत्व क्या दिव्य तत्व ज्ञान का सारे समाज संसार का अनित्य अनित्यता का जो अनुभव है, ये सब भगवान अर्जुन को बताए। ये संसार समाज संसार अनित्य है, शरीर भी कुछ नहीं है, शरीर तत्व सारे तत्व ज्ञान कहते कहते अभी आके धीरे धीरे भगवान उपदेश दे रहे हैं। जदृच्छया चोपपन्नम सर्गदारम अपावृतम सुखीण क्षत्रिय पार्थो लवंते युद्धम ईदृशम। ये श्लोक पर आ पहुंचा, फिर भी हम पीछे वाले दो एक श्लोक का फिर स्मरण करने के लिए चेष्टा कर रहे, क्योंकि अंतिम में इतना उपदेश देने का बाद फिर भी अर्जुन का मन में प्रशांति भाव का कोई दर्शन नहीं। मतलब जो उपदेश मिला है अभी तक, ये अपना अपना जो विचार है उसका साथ मिला नहीं, अर्थात संतोष मिलने का कोई रास्ता ही नहीं। अभी तक उपदेश मिला, शास्त्रों का उपदेश, शास्त्रों का उपदेश गुरु वैष्णव भगवान से मिला, अगर मेरा मन का साथ ये उपदेश का कोई मिलन नहीं भाई, हम ग्रहण नहीं कर सके, तत्व ज्ञान को डाइजेस्ट अनुभव में ना ला सके, तो ये जो उपदेश है अधूरा रह जाता है। अर्जुन का भी ऐसा ही हालत है, उपदेश तो बहुत सारे मिल चुके अभी तक, लेकिन फिर भी अर्जुन का मन में शांति नहीं, संतोष नहीं है, कि मानो कि लगता है ये तो उपदेश ठीक है लेकिन मेरा मन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जो संशय पैदा हुआ, ये संशय खतरनाक है, ये जो संशय है संशय खतरनाक है। ये संशय को अगर छेदन नहीं किया जाए तो आगे चलकर ये बहुत मुसीबत में फंसा सकता। हमारा भजन जीवन में भी कुछ भी समस्या संशय आए तो उसको अगर सही जगह जाके समाधान करा ले तो अच्छा है। बहुत सारे ऐसा शिकायत आता है, महाराज हमने वो मठ में गया, ब्रह्मचारी सन्यासी लोगों के प्रश्न किया, अब बोला क्या उटपटांग प्रश्न कर रहे हो, आप भजन ही नहीं करते हो जाओ। और हमारा पास आया जलंधर में आके बोला, हम तो ये तो उटपटांग प्रश्न नहीं है, ये तो सही प्रश्न है। बोले देखो महाराज ऐसा बोलता है, उटपटांग नहीं है, अगर तुम्हारा जानकारी नहीं है, तुम जानते नहीं हो, भजन नहीं करते हो तो उटपटांग है, क्योंकि अपना जिंदगी का समस्या का समाधान हो तब ना दूसरे का जिंदगी का समस्या का समाधान करे। वो कैसा संत है जो अपना जीवन जिंदगी का कोई समाधान हुआ ही नहीं, अभी भी काम में फंसा हुआ है, अन्न अभिलाष में अ गए प्रचार करने की,
तो उसका हालत तो ऐसा ही होगा। और जो ले जाता है उसका भी जुमा है, वो भी पनिशमेंट उसको ही मिलेगा जरूर, क्योंकि वो जानबूझ कर कर रहे हैं, सामान्य प्रतिष्ठा के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो जानकारी है फिर भी कर रहा है। चलो अपना अपना कर्मफल को भोगेगा, हमारा क्या है। तो ये जो शरीर है सतसंधि अर्जरण, इतना कितना जॉइंट है शरीर में गिनती करके देखो, ईदम शरीरम सतसंधि अर्जरण, और पतती अवश्य अवश्य ये शरीर पतन होने वाली कभी भी, और परिणाम तो इसका है ही है, नतीजा क्या है। अगर अगर भजन ना किया हो तो परिणाम जानते हो, परिणाम पेशल। इसका औषध क्या है, हे दुर्मते मूर्ख मानस, मूर्ख मूर्ख आदमी, औषध दवा क्या है। दवा तो एक ही है, गुरुवात गुरु गुरु अनुगत्व में हरिनाम करना, निरामयम कृष्ण रसायनम पीबो, पीबो मतलब पान करो, पान करो, ये समाधान यही है। तत्व ज्ञान का उपदेश होने से ही हमारा तत्व ज्ञान हृदय में बैठ जाए, ऐसा कोई बात नहीं। तत्व ज्ञान का उपदेश हुआ, बहुत सुन लिया और तत्व ज्ञान का समाधान कर लिया, ऐसा नहीं। तत्व ज्ञान का उपदेश सुनना और अनुभव में लाना, दोनों में अंतर है, हेवन एंड हेल डिफरेंस। अगर नहीं है तो ऐसा श्लोक उपनिषद में क्यों है, ना यम आत्मा प्रवचन लोभ्य न मेधया न बहु न सुते न जम एव एश वृणित तेन लभ्य, क्यों ऐसा बताए। कारण जरूर है, अगर कारण नहीं है तो ऐसा क्यों बताए। तो तत्व ज्ञान का उपदेश होने से ही तत्व ज्ञान का उपदेश हमारा दिल में ठहर जाएगा, हमारा दिल में बैठ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आप और हम दोनों मिलके सदगुरु चरण में बैठ के बहुत तत्व ज्ञान का उपदेश हमको मिला, आपको भी मिला एक ही साथ एट ए टाइम। ये हो सकता कि ये जो तत्व ज्ञान का उपदेश आपका हृदय में थोड़ा जगह कर लिया, मतलब थोड़ा समझ में आया आपको, लेकिन हमको समझ में नहीं आया, एक ही साथ सुना लेकिन समझ में नहीं आया। तो ये तत्व ज्ञान का जो असर है ये आपका अंदर में बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया, हमारा अंदर भी दिया। क्यों ऐसा क्यों, बोले ऐसा है पहला पहला संस्कार के अनुसार ही ऐसा होते रहता है, ये किसी का कसूर नहीं। पहले पहले जन्म का ये संस्कार है, पहले पहले संस्कार जो है ये संस्कार सूक्ष्म रूप में है, सूक्ष्म शरीर का रूप में हमारा अंदर में है, और वो हमको सपोर्ट करे, और एट द सेम टाइम चैत्य गुरु जो है, चैत्य गुरु का कृपा भी हो जाए, चैत्य गुरु का सपोर्ट कृपा, तो हमारा ये जो तत्व ज्ञान है हृदय में एकदम डाइजेशन नहीं, डाइजेशन तो है ही है, एसिमिलेशन आत्तीकरण पच जाएगा, और आत्तीकरण में पुष्टिदायक वस्तु हमारा कोशों कोशों में पहुंच जाए, मतलब हमारा नर्शमेंट हुआ, ये हो सकता। अगर नहीं भाई ये तत्व ज्ञान को उपदेश जो मिला, इनडाइजेशन हुआ, इनडाइजेशन का मतलब हजम नहीं हो पाए, तो इसका नतीजा उल्टा भी हो सकता है। हमने बहुत सारे देखे तत्व ज्ञान का तो हजम दूर की बात है, इनडाइजेशन के कारण उल्टा फल हो गया, भयंकर भयानक फल हो गया, ये भी हो सकता। एक मिसाल दे दे, एक उदाहरण, इतना तत्व कथा से एक उदाहरण दे तो ज्यादा सुविधा होगी। वो क्या है, देवगुरु बृहस्पति जी महाराज
देव गुरुजी बृहस्पति जी महाराज का पास स्वर्गराज इंद्रो और विरोचन जी महाराज दोनों पहुंचे पधारे, तत्व ज्ञान को उपदेश लेने के लिए पहुंचे। और है तो गुरु देव गुरु बृहस्पति, बोले ठीक है बैठो, ब्रह्म तत्व ज्ञान का उपदेश हम करेंगे, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। इतना सारे ब्रह्म तत्व ज्ञान का उपदेश, ब्रह्म विद्या का उपदेश लेने का बावजूद ये जो इंद्र महाराज है इसका बात छोड़ो, विरोचन का इतना उपदेश लेने का बावजूद विरोचन का समझ में कुछ नहीं आए, इंद्र का थोड़ा बहुत समझ में आए, कोई बात नहीं चलो। ऐसा कैसे हुआ, मतलब ऐसा तो वो जो कारण बताया इसीलिए हुआ। एक ही गंगा नदी का किनारे में एक नारियल वृक्ष है, एक आम पेड़ है, एक जाम पेड़ है और नीम पेड़ है, नीम निम्ब वृक्ष कड़वा। अब एक ही हवा चल रहा है, एक ही वातावरण है, एक ही गंगा मैया का पानी, फिर भी फलों में अलग है। जितना भी पानी दो, जितना भी हवा लगाओ, जितना भी धूप लगाओ, कुछ भी करो, नीम पेड़ का कड़वा भाव स्वाभाविक है, आम पेड़ का तो आम फल मीठा है, नारियल पेड़ भी अगर तोड़ा जाए ठीक है। ऐसा जो भेद है ये बीजों का, जो बीजों का अंदर में जो स्पेशलिटी है, लक्षण है, बीजों का जो लक्षण संस्कार है इसी का मुताबिक फल मिला दिया। इसमें क्यों, कब, क्यों, कहाँ, किस लिए, ये सब क्वेश्चन का तो ऐसा बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, क्वेश्चन करते चलो इसका कोई समाधान नहीं निकले। बोले कैसा मारा, बोले अगर कहे तो पेड़ पहले कि बीच पहले, ये झगड़ा होते रहे, झगड़ा होते रहे, लेकिन इसका समाधान है नहीं। पेड़ है पहले कि बीज है पहले, बीज है पहले कि पेड़ है पहले, ये ठाकुर जी जाने, हम बद्ध जीव क्या कितना कितना हम समझे। बहुत सारे ऐसा चीज है, शक्कर क्यों मीठा, अरे शक्कर क्यों मीठा हम क्या जाने, मीठा है लेकिन क्यों मीठा, इसका क्या क्या जवाब दोगे, इसका क्या जवाब है, इस शक्कर क्यों मीठा, अरे कुछ चीजें ऐसे है प्रकृति में उसका क्यों का क्या उत्तर है, तो कोई उत्तर है नहीं। तो जैसे है ये जो विरोचन इंद्रो का उदाहरण हमने दिया है, ये उपनिषद में आता है, और विरोचन का कुछ समझ में आया नहीं, समझ में आया नहीं, इंद्र महाराज फिर भी कुछ समझे। फिर भी इंद्र महाराज बाद में गुरुजी के पास आए, गुरुजी ये जो उपदेश दिए तो थोड़ा थोड़ा समझे है लेकिन अनुभव में नहीं उतारा, अभी भी वो अच्छा इतना, बोले ठीक है आप ब्रह्मचर्य पालन करके इतना दिन सुनो, फिर इतना साल बैठो हमारा पास। जब वो गुरुजी फिर बताए ब्रह्म तत्व का और उपदेश, तो इंद्र महाराज का थोड़ा बहुत समझ में आया। चलो तो ऐसा बात है, इसमें झगड़ा का कोई बात नहीं, इसमें संशय संदेह का कोई सवाल नहीं, क्योंकि इंद्र ये जो भगवान श्री कृष्ण इतना ऊंचा विचार बता रहे, अर्जुन तो बद्धजीव नहीं है, बार बार सुने हो, अर्जुन के इसी प्लेटफॉर्म में ठाकुर जी खड़ा कर दिया ताकि गीता का प्रवचन हो सके। पर ठीक है, अभी का जो अर्जुन का स्थिति है इसी का विचार विश्लेषण करना चाहिए। अर्जुन का जो अभी जो स्थिति है, इतना उपदेश सुनने का बावजूद हृदय में ये पक्का बैठा नहीं, ठीक है चलो, लेकिन
हृदय का जो भाव है अभी भी इसमें ये तत्व ज्ञान बैठा नहीं, फिर भी ठाकुर जी कह रहे हैं क्या किया जाए। इसीलिए अर्जुन बार बार एक एक करके प्रश्न उठाते चले गए, ये क्यों क्या है, ये किस लिए, यू क्यों करे, युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध करके क्या है, मारा जाएगा हमारा खानदान का सारे जो बड़े बूढ़े हैं गुरुजी है मारा जाएगा सब, ये सब प्रश्न आया। मतलब भगवान श्री कृष्ण का जो विचार है इतना इतना तत्व ज्ञान का उपदेश, शरीर तत्व जात से ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मित सचा तस्मात अपरिहार्य अर्थे न त्वम सचिदम अर्हसी अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम अध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदन आश्चर्य आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैन्यमान्यः शृणोति श्रुत्यापिएनम वेदो न चैव कश्चित् आश्चर्य अश्वक्ता कुशल अश्वलब्धा कुशलान श्रेष्ठा उपनिषद भी में ऐसा आता है। ऐसा नहीं कि तत्व ज्ञान का उपदेश गुरु जी दे दिया और तमाम शिष्य ग्रहण कर लिया, ऐसा नहीं। फलों में भेद होता, फले न फले कारणम अनुमीयते, तुम्हारा गुरु ग्रहण तुम्हारा दीक्षा तुम्हारा तत्व ज्ञान सही हुआ कि नहीं, फले न फल कारणम अनुमीयते, ये नीति शास्त्र का है। ये फल जो है तुम्हारा जिंदगी में तुम जो तत्वज्ञान ग्रहण किए हो तो ग्रहण तत्वज्ञान अगर ग्रहण किए हो तो फल क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट आउटकम, फल तो दिखाओ। तत्वज्ञान ग्रहण किया चिल्ला रहे हो हमारा दिखा हुआ 40 साल हैं गौरिया मठ में मेरा जिंदगी क्वाइल हो गया, स्पॉयल नहीं क्वाइल, ये हमारा सामने बोला एकदम 80 साल का उम्र बोले हमारा गौरिया गौरिया मठ में मेरा जिंदगी क्वाइल हो गया, स्पॉयल भी नहीं क्वाइल। ऐसा मापी का अगर आदमी गौरिया मठ में आते रहे तो हो गया गोरोनेट का सत्यानाश हो जाएगा, ऐसा ही है दीक्षा वर्तमान समय। तो आश्चर्य बात पश्यति कश्चित एनम आश्चर्य बद बदती तथी बचान, ठीक ही ये बात सही है। आत्मा को कोई आश्चर्य दर्शन करता है, आत्मा का बारे में सुनने के बाद भी आश्चर्य होके चकित होके रह जाता है, विचार में बैठता नहीं क्या चीज है ये, तभी ना इसको आत्म तत्व बोला जाता है। ये तो बाजार का कोई सामान्य तत्व ज्ञान है नहीं। और ऐसे ऐसा करके एक उदाहरण आया मेरा मन में बहुत दिन पहले का बात है, मैं भी हो सके कि 20-22 साल का पहले का बात है, 20-25 साल याद नहीं है। मैंने चल दिया केदारनाथ चार धाम को यात्रा कर दिया, बहुत बार किए, बहुत बार मतलब ज्यादा नहीं किए बहुत बार, और फिर रुद्रप्रयाग जाके काली कमले वाली क्या वास एक चट्टी है, चट्टी में रात को ठहर गया, शाम को पहुंचा वो चलो ये पहाड़ी रास्ता है ज्यादा जाना नहीं अभी ठहर जाओ इधर, रोटी पानी का चक्कर में पत्थर लगा लिया दो चार रोटी बना लिया और देखते रह गए हम ठाकुर जी का आनंदमय सृष्टि का जो रहस्य है सोचते रह गए। वो हैंगिंग बरांडा है पहाड़ का चट्टी में, मैं उधर खड़ा रह के देखते रह गए, अरे कहाँ से आ रहा है हिमालय से जमुना एनो सब अलकानंदा आदि सब सुंदर, और रुद्रप्रयाग में आके मिल रहा है कितना सुंदर दिख रहा है, अरे आश्चर्य चकित होकर रह गए देखते रह गए। नाम करते करते हम देखते रह गए ठाकुर जी का क्या महिमा है। आ
इतने में पीछे से एक साधु पुकार लगा, बाबा। हमने मुड़ के देखा, एक अच्छा साधु है, रामानंदी साधु है। क्या देख रहे हो? हम देख रहे हैं, क्या देखे? ठाकुर जी का आश्चर्य महिमा देख रहा हूँ। हाँ, यही तो बात है। बैठ के थोड़ा चर्चा हुआ, बहुत सारे शास्त्रों का, अच्छा साधु है। बाद में वो तो पीछे आ रहा है, मतलब उसका दर्शन हो गया और नीचे को जा रहा है, हम ऊपर को चल रहे हैं। बहुत सारे अनुभव के बातें, रात तक हम भूलेंगे नहीं। इतना सुंदर, तरह तरह का विचार उठाया, बहुत सुंदर। लेकिन वो जो साधु है उसका साथ और मेरा और दर्शन हुआ, अब होने से भी पहचान नहीं पाएंगे कितना दिन बाद। कहने का मतलब है कि ये जीवन यात्रा है, इसमें हम ऊपर चले आप नीचे चलो, कब दर्शन हो ना हो कोई ठिकाना है नहीं। अभी का जो मुलाकात है, जिंदगी भी ऐसा है, ये जीवन यात्रा है। आप चल रहे हो, पिताजी चल रहा है, माताजी चल रहा है, भाई बंधु चल रहा है, पिताजी का सिन ड्रॉप हो गया। ये जो ड्रामा चल रहा है इसमें पिताजी का सिन ड्रॉप, पिताजी मर गया, मेरे उसका टाइम पूरा हो गया, वो चला गया। वो कहाँ चला गया? वो उसका साथ मुलाकात है। सामान्य ये सब जो चीज है जिंदगी में होते रहता है, लेकिन माया में इतना फंसा हुआ है जीव, ये सब सोचने का कोई चिंता ही नहीं। अगर ये सब छोटा मोटा चीज सोच समझ के धीरे धीरे आगे बढ़े तो फिर भी तत्व ज्ञान का बैकग्राउंड हो सके, वो सोचता ही नहीं। मेटेरियल आदमी का मन, खाओ पियो जियो, आ हो गया चलो, स्थूल बुद्धि। इसलिए जितना भी बताओ वो क्या कुछ असर नहीं है, उपलब्धि कुछ नहीं है। ऐसा ही है जीवन में, यह देखो जे लोगों का बारे में, अर्जुन तुम अभी रोना धोना शुरू कर दिया, अभी तू मरा भी नहीं, तू तो इतना भी इतना हिसाब कर लिया वो मर जाए कैसे, अभी तो मरा भी नहीं है, तो खड़ा हुआ है अभी, कहाँ मरा, युद्ध शुरू ही नहीं हुआ, इतना आगे का सोच के एकदम मर जाए हम कैसे जिए, अरे अभी तो कुछ नहीं हुआ, युद्ध भी शुरू नहीं हुआ, इतना हिम्मत है तुम इतना भीड़ हो, उस लोगों को मर दिया वो मर जाए, मरना नहीं चाहता हूँ, कितना भी अभिमान पूरा का पूरा है साबुत। अपना कर्तृत्व अभिमान रहते हुए कभी भी अनंत काल में शांति नहीं मिलेगी। अर्जुन ये जो पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य जो है, पहले जन्म का है, इसका कोई पता है द्रोण? नहीं, तो पहले जन्म का क्या हिसाब है? ये जन्म में ये जो पिता माता दिख रहा है हम, लेकिन पहले जन्म में क्या था? जिन लोगों का पूर्व जन्म में क्या है, क्या था नहीं था, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है हमारा। और फॉर द टाइम बिंग अभी का लिए दिखाई पड़ता है पिता है, हमारा अस्त्र ज्ञान का शिक्षा देने वाले द्रोणाचार्य जो है ठीक है। ये लोगों के लिए तू सुकर व्यक्तम अध्यानी बीच में दिखाई पड़ा, पहले का जिंदगी क्या था ये भी सीनरी ड्रॉप है, और ये जन्म में उसका बाद का जन्म किया वो भी ड्रॉप है, सीन ड्रॉप, अब तो देख नहीं सके। मायावादी का विचार जो है बड़ा विचित्र है। ये तो अर्जुन का विचार है, ये तो अज्ञान अज्ञानी का माफिक बातें कर रहा है। मायावादी का विचार बड़ा अजीब, एक आत्मवाद, आत्मा एक है और कुछ नहीं है, एक ब्रह्म ही बना परा। और वो कहते रहते हैं कि एक आत्मा जैसे आसमान सूर्य है, उसका कह चुके हैं हम, फिर भी याद दिला रहा है। एक घट घट में देखो अलग अलग सब तस्वीरें परे, ओ प्रतिफलन रिफ्लेक्शन, और ये सूरज जैसा लगता है ऐसा। मायावादी का बात अगर मन भी लिया तो इसको अगर कहा जाए महाराज ठीक है, एक आत्मा आत्मो तत्ववाद वादी हो वा,
मायावादी हो, लेकिन ऐसा अगर हुए तो कौन किसका उपदेष्टा बनेगा? आत्मतत्व तो एक, आपने बोला एक आत्मा, तो उपदेष्टा कौन है? उपदेष्टा कोई किसी का नहीं है। आपका जो थ्योरी है, विचार है, इसमें उपदेष्टा कौन बनेगा और उपदेश सुनने वाला भी कौन है? कि तो एक है। सरासर गलत भावना है, पूरा के पूरा टॉप टू बॉटम रॉन्ग कंसेप्शन, पूरा फेंकना चाहिए मोरी में। लेकिन ये सब चल रहा है, अब क्या करें? सीधा 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 समीपात बताएं, अव्यक्तम प्रधानम, जगत में निर्विशेष मूल उपादान का नाम प्रकृति व प्रधान, दूसरा नाम है अव्यक्त। सृष्टि का पूर्वे जगत कहां गया था? सृष्टि का पूर्वे जगत अव्यक्त अवस्था में प्रकृति में लीन रहे इतना काल तक, और जब सृष्टि का समय आए तो अलग अलग नाम रूप आदि लेकर प्रकाशित भए सृष्टि काल में, होके व्यक्त होते रहता है। ब्रह्म संहिता में बताया गया, जस्यैव निश्शेषित काल मथावलंब जीवन्ति लोम विलजा जगदन्ननाथ, ऐसा है। जस्यैक निश्शेषित काल मथावलंब जीवन्ति लोम विलजा जगदन्ननाथ विष्णुर महानस यो यस्सु कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये है अव्यक्त अवस्था में, जब भगवान का अंदर सब कुछ है, एक एक अहम, भगवान एक है और कुछ नहीं है, सृष्टि का कुछ ठिकाना नहीं कहा। और गीता में ठाकुर जी कहे कि देखो, मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वयति चराचरम, मेरा प्रिंसिपल सिप में प्रकृति स्वयति चराचरम, अहम बीजो प्रदे पिता, हम ही बीजो प्रदे पिता है, हम ही पिता, पिता बीज देते हैं ना संतान का बीज, तो बीज कहां से मिले? पिता से। ऐसा करके विचार करना चाहिए। जब सृष्टि काल आए ठाकुर जी का इच्छा से, तो अलग अलग नाम रूप पड़ गया, एक ही वस्तु है अद्वै ज्ञान तत्व, नाम रूप प्राप्त हो गया और सृष्टि का अवसान, तो पूरा के पूरा प्रकृति में लीन अवस्था, यही तो है पांचभौतिक शरीर का परिणाम। जानकारी है नहीं तो इसका लिए क्या रोना धोना, क्या सोचना, क्या है? कोई तो आत्मा को आश्चर्य बोलते हैं, आश्चर्य अनुभव मानते हैं, कोई सुनने के बाद भी समझते नहीं क्या आश्चर्य, अजीब सा चीज है आत्मा। ऐसा अगर हालत है तो इसमें जो तत्वज्ञान, मैं कह रहा हूं ये थोड़ा समझने का कोशिश करो, आप विचार बनाओ जी, क्या ठीक बोला कि आत्मा का अविनाशत, अपना आत्मा अविनाशी है, आत्मतत्व क्या वस्तु है, ये सुनने के बाद भी समझना मुश्किल है। आश्चर्यवत पश्यति इत्यादि श्लोकों के द्वारा, मतलब भगवान जितना सारे आत्मतत्व का उपदेश किए, शरीर तत्व प्रकृति पुरुष जो सब कुछ, फिर भी अभी तक भी अर्जुन का हृदय में ठहरा नहीं,
हृदय में ठहरा नहीं, अभी तक विचार बैठा नहीं, इसलिए अभी भी शक है, संदेह है, संशय है, पूरा तरीका से उसको सुना तो है लेकिन हजम नहीं कर पाया। एसिमिलेशन आत्तीकरण तो दूर की बात है, पुष्टि का बात तो दूर की है। और ऐसा बताए ठाकुर जी, देखो जद्रिच्छापन्नम स्वर्गदारम अपावृतम सुखी नह क्षत्रियः पार्थो लभन्ते युद्धम ईदृशम। ऐसा मापिक अगर युद्ध है जिसको सलाम करना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध तो तुम्हारा, तुम कोई कारण नहीं हो ना, तुमने तो ये युद्ध मांगा नहीं था। दुर्योधन का दुष्ट बुद्धि विद्वेष के कारण ये युद्ध होना ही था, तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें कि तुमने जोर जबरदस्ती उस युद्ध का आयोजन किया और तुम जिम्मेदार हो। तो डर किस बात की, मतलब ऐसा मापिक जो युद्ध है अपना फर्ज को निभाना उचित है, तुम क्षत्रिय हो, और ऐसा मापिक युद्ध आया, ये युद्ध के लिए तुमको प्रसन्न होनी चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। ये लोगों को मार के हम कैसे सुखी हो, ये सब बातें कैसे कह दिया तुमने। जद्रिच्छा चोपमन्नम, ये तो ठाकुर जी की इच्छा से अपने आप आया, हमने बुलाया नहीं ये युद्ध को, अपने आप आया और ठीक है, स्वयं उपस्थित। जद्रिच्छा चोपमन्नम स्वर्गदारम अपावृतम, ऐसा मापिक धर्म युद्ध जो है उसमें स्वर्गदारम अपावृतम, युद्ध के तुम्हें मरो तो स्वर्ग को प्राप्ति जरूर हो, ये तो है ही है कुरुक्षेत्र, जहाँ पहले से हमने जानकारी दिए, ये ऐसा स्थान है जहाँ कोई भी मारा जाए स्वर्ग में इसका स्थान होगी। असुखी न क्षत्रियः पार्थो लभन्ते युद्धम ईदृशम, ईदृशम ऐसा माफिक जो युद्ध है, किसी भी वीर क्षत्रियो का जिंदगी में आया है, आया है तो ये बड़ा सौभाग्य की बात है। सुखी न क्षत्रिय पातो लवंते युद्ध में दृश्यम, ऐसा युक्ति दिया हमने, विचार बनाया आपको सामने, आपने सोचा समझा कि नहीं समझा ये बताओ। अगर नहीं भी समझा तो भी देखो एक बात तो पक्का है, अगर समझा नहीं तो भी तुम्हारा आगे ये विचार कि युद्ध करेंगे नहीं, ये कैसे है। अथोचित्वम इमम धर्मम संग्रामम न करिष्यसि, अगर तुम ये युद्ध ना करने का निश्चय ले लिया, अथोचित्वम इमम धर्मम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, ना करोगे, अगर ना करोगे फिर भी तुम्हारा अधर्म है, अकृति है और पाप तो है ही, ये सब है। युद्ध करना नहीं करना, अच्छा बुरा जो कुछ भी है विचार, हम मरेंगे नहीं, ये सब जो विचार है सब सभी में अहंग जोड़ा हुआ है, अभिमान, ये आपका अहंग तत्व का, आपका अंदर में अहंग तत्व है, इसका बड़ा व्याख्या चल रहा है अभी। मनु संगीता में भी ऐसा आता है, नौ निवर्तित संग्रामम खात्रम धर्मम अनुस्मरण, युद्धे चाप्य पलायनम, ऐसा खत्रियों का नियम है।
तो अथोचे त्वम इमम धर्मम संग्रामम, ये धर्म संग्राम अगर न करी शशि हम करेंगे नहीं, ऐसा कर विचार बना लिया। चेत चेत में अगर अथोचे त्वम इमम धर्मम संग्रामम न करी शशि ततः देन व्हाट इज द रिजल्ट, ततः स्वधर्मम कृतिम चहित्वा, अपना स्वधर्म को खो दिया, छोड़ दिया तुमने, तुम्हारा पूर्व का जो कीर्ति है, तुम कीर्तिमान हो, पहले का तुम्हारा नाम जस कीर्ति है, और नीति शास्त्र में ऐसा है कीर्तिर जसो सौ जीवती, जिसका जीवन जिंदगी में कोई कीर्ति नहीं है, कोई माइलस्टोन रखे नहीं गया, आइडियलिज्म छोड़ के नहीं गया जिंदगी में, वो जिंदगी तो कुत्ता बिल्ली का जिंदगी है, कुत्ता बिल्ली का जिंदगी ऐसा है। आदमी का जिंदगी तो ऐसा होनी चाहिए कि हर जिंदगी में एक एक आइडियलिज्म आदर्शों को स्थापन करके जाए, मास्टर है, शिक्षक है, तो उसको आदर्शों, हमारा जीवन में सब याद है बचपन में, हम मास्टर लोगों का प्राइवेट ट्यूटर तो नहीं था, वो जाके मास्टर जी को पूछते थे आप सब ये सब आदर्श कहाँ गया, रास्ते में भी मिला, कब छोड़ दिया स्कूल, बहुत दिन बाद रास्ते में मिला, अरे महाराज जी दंडवत किया चरण में हाथ लगाकर, अभी क्या है, अभी मास्टर को देखे तो बीड़ी फूकते भूक के चले जाए, अरे दूर मास्टर भी ऐसा है, छात्र भी ऐसा है, महाराज आदर्श अगर नहीं रहा तो कुछ भी नहीं रहा, पिता माता में आदर्श नहीं है तो पिता माता नहीं है, वो नहीं है। केशव गोस्वामी महाराज जी ने लिखा है, बोला है ये पिता माता का ट्रेनिंग होनी चाहिए, ऐसा कुत्ता वाला बिल्ली का माँ भी संतान का जन्म दे ऐसा नहीं, पिता माता कैसे होनी चाहिए, केशव गोस्वामी महाराज ने रहा, इसका भी ट्रेनिंग होनी चाहिए तो कि हम जीवन जिंदगी आदर्श संतान को प्राप्त करें, ये हो नहीं सके, काम का जिंदगी है, बच्चा भी ऐसा ही होगी, क्या होगा, कुछ नहीं है। तो हमारा एक एक जीवन जिंदगी जो है भजन जिंदगी तो और ज्यादा, अगर भजन जिंदगी में ऐसा हो कि समाज संसार थुक्कार लगाए, इससे तो मरना चाहिए पहले, अगर समाज संसार अगर साधु संतों को अगर थुक्कार लगाए तो इससे तो अच्छा है कि मरना, ऐसा भक्ति में ठाकुर जी ने काल चर्चा करेंगे, भक्ति में ठाकुर क्या बताया, कहाँ कहाँ क्या बताया, कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, वो सब बंद करो, वो सब आजकल चलेगा नहीं, ऐसा स्थिति है, तो कैसे क्या हो सकता, बोलो। तो अथोचेतम इमम, ये धर्म संग्राम अभी नहीं करोगे, बोर के फैसला ले लिया तो इसके बाद तुम्हारा क्या ततो हो स्वधर्मम कीर्तिम चहित्वा हित्वा, अपना स्वधर्म है, कीर्ति है, अनिति शास्त्र में भी ये बताया गया कीर्तिर यशो सजीवती, जिसका कीर्ति है, जो कीर्तिमान है, जीवन जिंदगी में कुछ करके दिखाए हैं, आइडियलिज्म, कीर्तिर यशो सजीवती, वही जीता है, जिसका कोई कीर्ति नहीं है उसका जीना मरना तो, और डर के मारे अगर युद्ध नहीं किया तो और भी खराब है, आदमी लोग कहेंगे कि डरपोक है, बेकार है, ये सब गाली दे, ये तुमको सुनना पड़े, बाद में बताया, अ कावर्ड डाइज मेनी टाइम बिफोर इज एक्चुअल डेथ, एक डरपोक आदमी मरने का पहले बहुत बार मरता है, डर के मारे मर जाता है, उसका कोई पर्सनैलिटी नहीं है, उसका मन में कोई धीरता नहीं है, कुछ नहीं है, फासला नहीं है, सिद्धांतों ने विचार कुछ नहीं है, वो अगर गुरुजी का अनुगत करे कम से कम, कुछ गुणावली नहीं है, फिर वह निर्गुण ब्रह्म,
महावादी लोग बताता है। फिर भी गुरुचरण का अनुगत्य किया तो तमाम गुणों का खजाना आ सकता है, ये भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कीर्तन में बताया। प्रभुपाद जी ने बताया ना, प्राण अछजार सेतु प्रचार, प्राण है तो प्रचार है, प्राण ही नहीं है, डेड बॉडी है। अरे रामायण का कुछ चाय चौपाई मुखस्त कर दिया और बोलना शुरू कर दिया, क्या है? वही तो है तेरा जिंदगी में बचपन में मुखस्त, क्या है, कुछ है अंदर में? कुछ नहीं है। बचपन में मुखस्त कर दो चार बार दिया, हो गया, महाप्रभु का प्रचार हो गया। आहा, प्राण अच्छे जार सेहतु प्रचार, अगर प्राणी नहीं है तो प्रचार का ही बात की। प्राण का मतलब क्या है बता, हम तो प्राण है तो है, खाता पीता घूमता टट्टी घर जाता तो है ही है, प्राण तो है ही है। ये प्राण नहीं है, ये मुर्दा, ये शरीर जो है अनुगत्व के बिना ये मुर्दा शरीर है। शास्त्रों का हिसाब लगाओ। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इसका उत्तर दिया कीर्तन में, उत्तर दिया कीर्तन में, जे ये जो है भक्तिविनोद ठाकुर जी ने उत्तर दिया, जो देखो प्राण अच्छे जा सेतु प्रचार भोपा जी ने बताया और भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, बार बार कहते रहता हूं, अभी याद नहीं वो या ओ क्या है, जो भी है याद आएगा। अभी सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण, ए याद आ गया, बार बार बोलते रहते। भक्तिविनोद ठाकुर जी उत्तर दिया, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण, शरणागति है ये प्राण है, लाइफ, नहीं तो जीते जी मुर्दा, चलता फिरता मुर्दा है। हमारा जो शरीर है सब मठवासी जिंदगी है, सब है चलता फिरता मुर्दा, मूविंग डेड बॉडी, ऐसा हालत है। भक्तिविनोद ठाकुर जी कहा जे अगर सिखाए शरणागति, मतलब शरणागति नहीं है तो मुर्दा है। भजन रास्ते पे इसका कोई कीमत नहीं, चाहे सन्यासी हो ये बाबा जी हो कुछ भी हो, क्या कीमत है? वह आत्मनिवेदन किया कि नहीं, उसका शरणागति की जिंदगी है कि नहीं, पल भर में पता चलेगा, पल भर में जिसका एक्सपीरियंस है उसका, और देखेगा ना, देखने का बाद एक्सरे हो जाएगा, बोले जा ऐसा है साल, उसका कोई क्रियाकर्म को देखने का भी समय नहीं है, वो देखने का, उसका आंखों पर देखने के बाद पता चलता है वो क्या किया है जीवन जिंदगी में, सब नाटकबाजी, चलाओ सोसाइटी चलाओ और क्या, सोसाइटी चलाना और भजन कराना करना ये अलग बात है, दोनों के मिक्सिंग करके खिचड़ी बना दिया, हॉच पॉच। चलो ठीक है, मेजबानी है, ये हॉस्टल जैसा है, सब एक साथ रहेगा, प्रभुपाद बता रहे, काल बात चर्चा करेंगे, प्रभुपाद के क्या बता रहे, गुस्सा आ जाएगा प्रभुपाद का ऊपर, प्रभुपाद के ऊपर गुस्सा हो जाएगा क्योंकि सच्चा बता रहे, इसलिए गुस्सा आएगा प्रभुपाद के ऊपर, चाहो घर चले जाओ, इससे अच्छा है। ये जो है मतलब अर्जुन का हृदय में अभी तक ये जो तत्व ज्ञान का कुछ असर नहीं पड़ा। ये युद्ध जो है, वो युद्ध जो हो रहा है, ये तुम्हारा तो तुम्हारा कोई कसूर नहीं, ये होना ही था, इसलिए हुआ। भगवान श्री कृष्ण को भी आपने दूध बना के भेजा, मैसेंजर, फिर भी कुछ हुआ नहीं। तो अभी तो तुम तैयार, अगर तुम तैयार कर लोगे कि हम युद्ध नहीं करें, फिर भी तुम्हारा क्या है, उल्टा सधर्मों को देखो, वो सधर्म को देखने से भी तुम्हारा तो विचार होनी चाहिए कि हाँ, तमाम जो विचार बताए वो अगर समझा भी नहीं उतना अच्छा, ठीक है चलो, सधर्म का दृष्टिकोण से अगर देखा जाए
तो भी तुम्हारा घबराने का कोई बात नहीं, भीत तो डरपोक होने का कोई बात नहीं, क्योंकि युद्ध तो छोड़ के क्षत्रियों का सामने क्या अच्छा है। सधर्मम ओपी चावेक्षो न विकम्पितुम अर्हसी, धर्माद ही युद्धात श्रेयो अन्यथ क्षत्रिय सन विद्वत, ऐसा बताया था। यह तर्क दे रहा है ठाकुर जी, ततः सधर्मम कीर्तिम चहित्वा पापम अवापससि, द्वारा पापी पाप मिले, करो जो इच्छा करो मर्जी। एक बार बोल रहे हो कि आत्मनिवेदन कर दिया स्वाधी ममतम प्रपन्यम, और काहे का ये शरणागति है कि दो पल का, फिर बोला हम युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे कोई विचार नहीं बनता। ये कैसा विचार है? और अगर ये तुम्हारा कीर्तिर यशो सौ जीवोति, जिसका जीवन जीवन कीर्ति है, आइडियलिज्म है, वही मरने का बाद भी जीता है। कीर्तिर यशो सौ जीवोति मतलब जिसका आइडियलिज्म है, कीर्ति है, वो मरने का बावजूद उसका नाम रह जाता है, अमर बन के रह जाता है। जैसे हमारा फ्रीडम फाइटर है, अनायास अपना जीवन जिंदगी को दे दिया, अमर बन के रह गया भक्त, है ना। सारे मतलब उसका कीर्ति रह गया। और तुम्हारा विचार तुम देखो खोक, क्योंकि तुम्हारा अपना का अपना विचार अपना हाथ पर ले लिया। एक बार बोलते हो कि शरणागत हूं स्वाधिमान तब प्रपण्यम, तो काहे का विचार है? अभी तुम्हारा विचार तुम्हारा हाथ में रख दिया, चलो ठीक है करो जो मर्जी करो। अकीर्तिं च्वापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावितस्यो चाकीर्तिर् मरणाद् अतिरिच्छते। समझा कि नहीं? अब देखो ये जो आने वाली इतिहास है, इसमें तुम्हारा अकीर्ति का घोषणा होगी। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम्, तुम्हारा जो कीर्ति है, सुजस है, चिरस्थाई, मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। और कथयिष्यन्ति घोषणा करीबे, ये लोग घोषणा करते रहेगा, अर्जुन डरपोक है, भाग गया देखो, असंभावितस्यो सम्मानित मानी व्यक्ति प्रतिष्ठान पुरुषों के लिए अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। प्रतिष्ठावान व्यक्ति का अगर कोई मान का हानि हो जाए, वो तो मिट्टी में मिल जाता है। मानी व्यक्ति का मान हरण कर लेना ही मौत की बराबर होती है। संभावितस्यो सम्मानितो प्रतिष्ठावान पुरुषों के लिए आकृति ही मरणा च मतलब अपेक्षा, मृत्यु की अपेक्षा अतिरिच्यते अधिक है, बढ़ के। अब क्या करे? देखो आदमी कहते रहेगा, आने वाली इतिहास कहते रहे, तुम्हारा आरती उतारते रहेगा, डरपोक है, ये है, वो है, गाली दे है? बेकार। भयाद रनाद उपरतम मंगसंते त्वाम महारथा है? महाराज जो जो है, बड़े बड़े वीर पुरुष महारथा, ये ते सर्वे ते जनहा, ये लोग तुमको भयाद रनाद उपरतम मंगसंते, ये बोलते रहेगा, याद करेगा, ये भय के मारे रण भूमि छोड़कर चले गए,
भयाद रनाद उपरतम मंसंते त्वम महारथः जेसाम च त्वम बहुमतो भूत्वा जस्वसी लागवम। वे लोग इतना दिनों तक तुमको बड़ा भारी सम्मान करते रहे, वीर पुरुष मन ही मन विचार बनाते, अरे बाप का बेटा है, अरे ऐसा योद्धा है, तुम्हारा वीरता का जो लोग प्रशंसा करते आए इतना दिनों तक, जेसाम च त्वम बहुमतो भूत्वा जससी लागवम। ये लोग भी नीचा चिंता करना शुरू कर, लघुता तुम गिर जाओगे, इन लोगों का नजर के सामने तुम गिरोगे। महाराज एक मानी व्यक्ति, एक मानी व्यक्ति अगर जनता का सामने अपना मान गिर गया तो वो मरण का बराबर है। पाणिनि व्याकरण में पहले एक इंट्रोडक्शन में एक इतिहास है, राजा का नाम भूल गया, बहुत फेमस राजा है, बहुत फेमस, एंड इनके राजा लोगों का दो चार पत्नियां रहती हैं, और ये पत्नी लोगों का साथ राजा जल क्रीड़ा कर रहे हैं अंदर महल में, अंदर महल का पीछे जल क्रीड़ा। इसका कारण है क्यों ये बात को उठाया, सुनने से हैरान हो जाओगे। और पानी खेलते खेलते हैरान हो गया, और ये जो एक पत्नी वो कैदी मुदकम देही माँ उदकम देही मतलब ये है राजा और पानी मत फेंको, संस्कृत में है। और राजा समझा उदक मतलब मिष्टी, मिठी मिठाई का नाम है मोदक, मिठाई वाले का नाम है बंगला में उदक है, संस्कृत में भी है। राजा सोचा कि मिठाई मांग रहे, अब बहुत सारे मिठाई मंगाया खाया, बोले ला मिठाई की तो बोले तुमने बोला महादक, अरे हो करके हंसते रह गए। राजा का भारी अपमान हुआ, राजा बोले अरे हमारा अरे हमने बोला पानी मत फेंको माँ उदकम दे, आप जानते नहीं संस्कृत, कुछ जानते नहीं हो भाषा। राजा तो मिट्टी में मिल गया, अंदर मन में रह के निश्चय ले लिया कि अगर हम विद्वान नहीं बने तो हम खुदकशी करेंगे, चलो कौन है अभी कोई हमको सिखाए जल्दी, बहुत सारे इतिहास है ऐसा बोलने का कोई दरकार नहीं अभी। कहने का मतलब है मानी व्यक्ति का अगर मान हरण कर लिया जाए तो ये मिट्टी में मिल जाए, मरण का बराबर है। तो भयाद रणाद उपरतम मंसंते त्वाम महारथा त्वाम, ये उच्चारण बहुत किस्म का है, त्वम त्वाम ता बहुत सारे उच्चारण है, ये उच्चारण में थोड़ा फर्क हो गया तो मीनिंग भी फर्क हो गया। त्वांग मन तुम, तुमको माँ है ना, तुमको सोचेगा कि बेकार है, डरपोक है, कायार है, युद्ध के छोड़ के चला गया। भयाद रनाद उपरतम मन संते त्वाम महारथा जेसाम च त्वाम, जेसाम च त्वाम बहुमतो हुत्वा जससि लाघवम, तुम्हारा जो सम्मान है जस है सारे मिट्टी में मिल जाएगा। तो तुम ऐसा बात कर रहे हो, अवाच्यो बादांश्चो बहुनो
बदिश्वंति तबाहिता तबाहिता निंदंतोंस्तव स्वामत्वम ततो दुखतरम नुकिम अवच्चोवादांश्च बहुनो बदिश्वंति तबो अहिता तबाहिता निंदंतोंस्तवो स्वामत्वम ततो दुखतरम नुकिम किम मन क्या है इससे बढ़कर दुख की बातें क्या है जो उल्टा पलटा बताएगा अवाच्य वादांश बहुन बदिश्वंती तबो अहिता वा तबाहिता तुम्हारा लिए तुम्हारा खिलाफ बहुत सारे उल्टा सीधा बात करेगा तुम्हारा विरुद्ध में अनिंदा करने करते रह जाएगा निंदंतहस्तव सामर्थ्यम अरे इसका अंदर में कुछ है नहीं पावर सामर्थ्य नहीं है वीरता नहीं है तो भाग गया तो क्या है ये निंदा करते रह गए निंदंतहस्तव सामर्थ्यम ततो इससे बढ़कर दुखोतरम दुखो दुखो दुखोतरो दुखोतम दुखोतरम या इससे बढ़कर दुख की बात क्या हो सकती आप विचार करके देखे क्या करोगे आप क्या करोगे देखो विचार करके अभी जो है हालत ये है भगवान कह रहे कि हतो वा प्राप्सी स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महिम तस्माद उत्तिष्ठ कंतियो युद्धायो कृत निश्चय हो आप समझा कि नहीं पहले वाला विचार तो आप समझा कि नहीं समझा वो आप ही समझते हो अभी जानो लेकिन अभी जो बोला सधर्मम चाभी अपेक्षो यहां से भगवान पूरा एकदम प्रैक्टिकल बात बताए वो भी पहले तत्वज्ञान भी और ज्यादा प्रैक्टिकल है लेकिन अर्जुन के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल है क्योंकि वो प्रैक्टिकल उदाहरण देखो तत्वज्ञान ठहरा नहीं तो उसका बाद बोले ठीक है अगर पहले पहले का जो विचार हमने बताते रह गए इतना सुंदर ऊंचा विचार अगर ठीक है या अगर दिल में बैठा नहीं तो कम से कम हैं सर्व सधर्मम चाभी अपेक्षो अपना सधर्म जो कम से कम ये तो देखो ये करके तो युद्ध करना जरूरी है ऐ तो फिर भी ठाकुर जी इतना सुंदर विचार बताए कि तमाम दुनिया का होश उड़ जाए इतना सुंदर विचार कोई सुने तो सुने तो सुने एक महाजन का मुखारविंद से सुने आलतू फालतू किसी जगह सुनने से तो कुछ फल नहीं मिली क्योंकि ये जो साधु संत का महात्मा का जवान से पिघला हुआ वाणी ये अनुभव के द्वारा पुष्ट है इसमें बीज है गुरु जी अक्सर कहते थे कीर्तन में ये लोग कभी कभी पीछे बोलने का साथ साथ दो एक शब्द जोड़ देते हैं क्यों ऐसा करते हैं बोले महाराज माना करने से भी सुनता नहीं बोले इसको बुलाओ जो महाजन ने लिखा वही गाना पड़ेगा तुम्हारा हिम्मत नहीं कि दो चार शब्द जोड़ दो इसमें बड़ा आया गाने वाला सुर बदल दिया माने बदल दिया शब्द जोड़ दिया दो चार अरे क्या बात है पूरा अव्यवस्था फैल रहा है चारों ओर कोई मानने के लिए तैयार अपना सुर दे दिया अरे तू सुरकार है क्या नरोत्तम ठाकुर जी ने सुर दे दिया गरा नाटा ये वो सुर दे के गाना है तूने सुर बदल दिया आधुनिक गीत बना दिया प्रचार में गया छागल कहीं का यहां ठाकुर जी फिर कह रहे हैं कि देखो हतो वा प्राप्सी सर्गन अगर मारा जाओ फिर भी सर्ग लाभ है जित्या वा जित्वा बा भक्षसे महिम जित्वा बा भक्षसे महिम अगर जीतोगे तो ये खूब ये धरती का ऊपर राज करो कोई बात नहीं हतो वा प्राप्सी सर्गम जित्वा वा भक्षसे महिम जो इच्छा करो इसलिए मैं कह रहा हूं कि तस्माद उत्तिष्ठो ये विचार बना के उठो
अभी समय नहीं है इतना बकवास बंद करो। तस्माद उत्तिष्ठ कंतियो युद्धायो कृत निश्चय, अभी तो विचार बना लो युद्ध करो। ये सब इतना सब समझाया बुझाया, तस्माद इसीलिए उत्तिष्ठ उठो उठो कंतियो। कुंती बुआ बुआ जी का नाम लेके कुंतियो बताया कि ताकि अर्जुन का हृदय का और ज्यादा स्पर्श हो जाए, ममता स्नेहो प्रीति, इसे कुंतियो बताया। तस्माद उत्तिष्ठ कुंतियो युद्धायो कृत निश्चयो, युद्धो करने के लिए निश्चय कर लो, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं, निश्चय कर लो युद्ध करना। और बाद में ये बताए कि देखो युद्ध करने के लिए ही युद्ध करो, युद्ध का क्या फल मिलेगी, अरे ये हो वो हो, ये तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम नहीं, ये कौर्मी लोग कहते हैं, कौर्मी लोगों का भावना है, अरे करे महाराज ये फल मिला, अरे फल के लिए थरी कर रहे हो, ये जो हरि कथा कर रहे हैं, ये जो कीर्तन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ग्रंथों आदि सब, क्या गोमाता की जस प्राप्त के लिए कि टाका पैसा खूब आए नाम कमाए हैं? हमने महाराज इतना भी बड़ा साधु संत देखे हैं जो वेदांतों का इतना बड़ा विद्वान है, उसको कोई सम्मान देने के लिए आया है, बड़ा भारी एक टाइटल देने के लिए, टाइटल को फाड़ के फेंक दिया, जा भाग भाग, टाइटल देने आया है हमको, टाइटल हमारा गौड़िया मठ का बड़ा बड़ा विद्वान, वो टाइटल का पीछे नहीं है, वो टाइटल के पीछे नहीं है, प्रभुपाद जी ने टाइटल दिखाया क्या, जगत का सबसे बड़ा विद्वान है सब आया, भगवत रत्न है, ये है वो है, प्रभुपाद जी अप्राकृत जगत का जो सेवा है, सेवा में हौसला बढ़ाने के लिए ये विश्व वैष्णव राज सभा में अप्राकृत उपाधि देते दिया करते, विद्या रत्न उपदेशक, ये अलग चीज है, ये इसका साथ दुनिया का जो प्रतिष्ठा का जो विषय है ये एक नहीं है, अलग, इसका उद्देश्य पूरा अलग है। तो विचार ये आ रहा है कि अर्जुन हतो बा प्राप्सि स्वर्गम, जित्वा बा भक्षसे महिम, तस्माद उत्तिष्ठ कुंतियो युद्धायो कृत निश्चय, युद्ध करने के लिए निश्चय कर लो। आओ देखो टाइम भी नहीं है, ये कितना बातें कर रहे हो, ये सब करने का क्या है, विचार करो क्या है? और बाद में बताए अर्जुन का भाव, अर्जुन अगर कहे तो देखो महाराज ये युद्ध जो है, ये युद्ध तो इसमें तो हिंसा तो पक्का है, बिना हिंसा युद्ध कैसे हो रहा है, युद्धादि हिंसा तक, युद्धादि लड़ाई करने वाला जो विषय है, युद्धादि हिंसा तक विषय है, निश्चय पाप कर्म। तो जब भी आप कह रहे हो आतोताई बदा रहना, आतोताई की बात करना चाहिए, फिर भी ये तो है गुरुजन, गुरुजन बात के लिए तो पाप होना ही होना है, ये आपत्ति है अर्जुन का। अभी जो विचार है अभी भी भगवान का जो इतना तत्व ज्ञान अर्जुन का हृदय में लगता है कि बैठा नहीं, आत्म तत्व का बहुत खूब उपदेश किए ठाकुर जी, आत्म तत्व का बहुत खूब उपदेश दिए, बहुत भारी उपदेश दिए, इसके बाद स्वधर्मों का महिमा का बारे में भी बहुत सारी चीज बताए, फिर भी अर्जुन का जो संशय है अभी, संशय है ये अभी अभी हट नहीं रहा है, अर्जुन का संशय अभी अभी भी जा नहीं रहा है, हट नहीं रहा है, आत्म तत्व परे सधर्म तत्व का महात्म बारे में उतना उपदेश के फिर भी जाता नहीं, क्योंकि आत्म तत्व श्रवण करने से ही आत्म तत्वज्ञ कोई हो नहीं पाते, श्रवणायोपि बहुवीर्यो न लभ्यो,
शोभन करने के बाद भी अधूरा रह जाता है अत्व तत्व। आत्म तत्व बिल्कुल 100% समझने का यही रास्ता है, एक ही रास्ता है। वो क्या है, भजे प्रणिपातेन परिवेशन सेवया तद्विद्धि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिवेशन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिन। ये तीन कंडीशन अगर जीवन जिंदगी में फुलफिल हो जाए तो तत्व ज्ञान ठहर सकता, पक्का तत्वविदों का पास पहुंचे और इनके थोड़ा सेवा करे। सेवा मतलब भगवान के, ये तो सेवा लेते नहीं, गुरु वैष्णव भगवान ये तो, ये जो विचार है तो अलग सुंदर, भगवान सेव्य वस्तु है, गुरु वैष्णव कभी सेवा लेता नहीं, सेवा में लगाए। किसी को बोलता ना मेरे को सेवा कर, ऐसा नहीं बोलते, तुम्हारा हिम्मत है तो करो नहीं तो भागो। ये कभी सेवा लेते ना, हमको हमारा पैर दबा थोड़ा, ये कर दे ये कर दे, ये ला वो ला, नहीं ऐसा नहीं। सदगुरु वैष्णव का ये विचार है, कोई भी जीवात्मा आए, कहे माताजी पिताजी भाई जी बहन जी कुछ भी आए, तमाम आदमियों को वो ठाकुर जी का सेवा में लगा देते। ये नहीं करे हमारा ये सेवा कर दे, ना 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 ना, ना। ये साधु ही नहीं, पैर दबाते रह जी, अरे अपना सेवा के बारे में वो लोग बोलता ही नहीं, कभी भी बोलता नहीं, ना ना ना, सबको ही को अपना भगवान का सेवा में लगाए, इसमें मंगल है। सारे जीवात्माओं को पुष्पांजलि का रूप में ठाकुर जी के चरण में देने के लिए दीक्षा देता है। मेरे गुरु जी कहते थे, आप लोग मेरा शिष्य नहीं हो, ये प्रभुपाद का है, आप लोग कदापि मेरा शिष्य नहीं हो, हम गुरु नहीं है। हैरान हो गया देखने, ये भी गुरु और वर्तमान भी गुरु, हाय हाय देखा, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा महापुरुष जिनका सामने जाने का साथ साथ ही मस्त नतमस्तक हो गया, अरे हम कहाँ का कीचड़ कीचड़ से आए हुए हैं, अरे ये कहाँ है, अरे बाप रे बाप। कभी भी गुरु जी को सुनना मेरा पैर दबा दे मेरा मन, कभी नहीं, कभी नहीं, सीखने वाला चीज है। अब बोलते थे हाँ तो आप लोग हमारा शिष्य नहीं हो, ना 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 ना, हम शिष्य नहीं बनाते, सब गुरु, सब मेरा गुरु प्रभुपाद जी के चरण में आप लोगों को आप लोगों को अर्पण कर दिया, उन्हीं की सेवा करो, हमारा क्या सेवा, प्रभुपाद का सेवा करो करने से हो जाएगा, प्रभुपाद का सेवा करो, ऐसा बोला बार बार, एक बार नहीं कितना बार बोलते सुने हैं। जो भी है, इतना समझाने का बावजूद अर्जुन का हृदय में अभी भी कोई समाधान नहीं है, क्योंकि मन अभी भी तर्क से भरा हुआ है। क्यों, अर्जुन का जो कर्तृत्वाभिमान डुअरशिप, मैं कर्ता कर्ता अहम इति मन्नते, ये भाव अभी गया नहीं। बोला तो है स्वाधिमाम तम प्रपन्यम, ऐसा तो बोला है, ये हम भी कहते रहते तुम भी कहते रहते, गुरु जी दीक्षा दो हम शरणागत, अरे शरणागत हुआ तो देखा जाएगा, फले न फले कारणम अनमीयते, मतलब अर्जुन का अभी भी कर्तित्व अभिमान कर्तापन ये अभी गया नहीं। अर्जुन कोई कंसोलेशन, मन का कोई सोल्यूशन निकल नहीं, उसे कंसोलेशन प्रबोध, मन में शांति नहीं है, अभी बेचैनी है। तो ये सब बातें सुनने के बाद ये तो पक्का है अर्जुन का कर्तित्व अभिमान अभी भी गया नहीं। भगवान का कहना है कि कामना और कर्तित्व अभिमान, कोई भी फल कामना या तो कर्तित्व अभिमान मैंने किया, डुअरशिप मैंने किया, कर्तापन और कोई भी कामना हृदय में रखते हुए और कर्तापन भाव को वर्जन करते हुए अगर आप
कोई भी कर्म करो इसका लिए न पापम अवापससि नैवम पापम अवापससि। ये बड़ा भारी विचार है। इस विचार आपका दिल में जिंदगी में बैठ जाए दिल में तो हो गया कमाल की बात है। कह रहे हैं कि कामना छोड़ दो, कोई भी कामना नहीं रखो हृदय में, और मैं करता हूं ये अभिमान को वर्जन कर दो, त्याग दो। ऐसे अगर काम करते चलो तो तुम्हारा कोई पाप स्पर्श करने का कोई सवाल ही नहीं। भगवान यही बात को अभी उठाए, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धायो युद्धस्य नैवम पापम अवाप्सि। सुख और दुख इसको समान बना लो। अरे ये भी क्या संभव है? यस संभव है। साधु संधु का जीवन देखो, हमने देखा तीर्थ महाराज के जी ने कोई उल्टा सीधा बोल दिया, महाराज कुछ नहीं बोलते, चुपचाप देखते रह गए। ठाकुर जी का चिंतन उल्टा सीधा, कुछ नहीं बोलते, हैरान करने वाली बात। ये सब जो महापुरुष है, महापुरुष के सामने आप अपमान करो, मान दो, सम्मान दो, या तो कुछ उल्टा सीधा दिखाओ, कुछ नहीं होने वाला। मैंने डायरेक्ट सुना है, महाराज तो बार बार बोला आप हमारा सब अमेरिका चलो ये चलो, मैंने महाराज हम काबिल नहीं है, आप हमारा गुरु हो। नहीं नहीं आप तो मेरा गुरु भाई है। नहीं नहीं आप गुरु हो, मेरा गुरु हो आप। गुरु भाई कैसे, हम गुरु भाई कभी नहीं बोलते। बावन गुस्से में आती तो महाराज जी ने कभी नहीं गुरु हो, गुरु भाई क्या गुरु है, ये गुरु है। कितना बार कहें, तुम बोला महाराज हम तो नालायक है, हमारा यही ठीक है, जैसा कुत्ता है उसका ऊपर ऐसा ही डंडा चाहिए। जैसे बल्लाव जी महाराज बोला ना, हैं पशु नाम लघुरो यथा, हमारा लघुर लट्ठी का जरूरी है, हमारे ऊपर पड़े तो हम ठीक रहते, हम कहाँ जाए। लेकिन हमने सुना है बहुत सारे, हमने किताब में लिख दिया महाराज जी का जो जीवनी है वास्तविक तीर्थ के संधान में, भक्ति वाला तीर्थ का जीवन, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर बात है। रशिया में गया हमारा कमलाक्ष बोल के एक भक्त है, गुरु जी से आश्रय लिया, अब जाने ना जाने कहाँ है पता नहीं। वो कह रहे हैं कि मेरा माताजी कभी साधु संत तो देखे ही नहीं जिंदगी में, अब जब तीर्थ गुस्सी महाराज पहली बार के लिए पधारे तो मैं मैया को लेकर चलो थोड़ा दर्शन करके आओ। अब साधु संत तो क्या होता है, जीवन जी देखा ही नहीं पूरा दिन। बोले हमने माता जी को लेकर, बोले जाओ घर में जाओ दंडवत करो महाराज। महाराज दंडवत करना नहीं जानता, जानता ही नहीं है दंडवत क्या होता है। अरे जाके खड़ा हुआ, महाराज जी का पद देखना शुरू कर दिया और देखते देखते रोना शुरू कर दिया। क्यों रोना आया, कोई कारण नहीं। बोले महाराज जी को देखते रह गए या रोते रह गए, क्या कारण है? आश्चर्य घटना है। अमेरिका में एक जगह गया महाराज जी, ये लोग तो जानता नहीं, अनसिविलाइज्ड है, और वहां महाराज जी बैठे हुए हैं क्योंकि इंतजाम हो रहा है काम, महाराज जी को ठहराया जाए सब। एक लड़की है हाफ नेकेड और महाराज जी का ओर पैर करके सो गया, महाराज जी का ओर पैर है, महाराज जी के बच्चा के मापिक बैठा हुआ है। और एक दफे एक महाराज जी के कमरे में हाफ नेकेड एक लेडी लड़की घुस गया, महाराज जी उसका आंखों का और बच्चा का मापिक देखते रह गए। अरे देखे तो तभी समझे, ये सब महापुरुष का जिंदगी देखो तो सीखोगे, तो नकली करेंगे तो होगा नहीं ना। इसमें पता चलता है कौन साधु है कौन साधु नहीं है, इस साधु का ग्रेट क्या है। कितना सुंदर, हमको इतना अच्छा लगा, डायरेक्टली सुना बहुत बढ़िया लगा हमको। वाह महाराज जी बहुत प्यार करते थे, ये लोग समझते नहीं, महाराज बहुत प्यार करते थे, बहुत कृपा भी किए। चलो ठीक है,
जो व्यवहार मिलते रहता है उसी में मैं खुशी हूँ। मेरा कोई माला फाला का इच्छा नहीं है, माला प्रणामी कुछ नहीं चाहिए। चलो आप तैयारी हो जाओ भजन के लिए, बस यही मेरा डोनेशन है। हाँ, अब भगवान कह रहे हैं कि देखो यही विचार को प्रस्तुत कर रहे हैं अभी, ये बचुर विचार जो है इसको प्रस्तुत कर रहे। अर्जुन देखो, तुम अगर कुछ नहीं समझे तो ये बात मान लो मेरा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युद्धस्व नैवम पापम अवाप्सि। युद्ध करना है इसीलिए युद्ध करो, हरिकथा बोलना है, हरिकथा बोलना तुम्हारा भजन है इसीलिए हरिकथा बोलो। गुरु जी बोला हरिकथा बोलना तुम्हारा भजन है, तुम कोई सिद्ध महात्मा नहीं हो, बस हरिकथा बोलो। ठीक है, हरिकथा बोलते बोलते कभी अगर सिद्ध हो जाए तो ठीक है, गुरु जी का आदेश है। हरिकथा को बिजनेस में मत लगाओ, मत हरिकथा एक हरिकथा को भी व्यसन में बदल दिया, ये भी एक एंजॉयमेंट का मोड है, पैसा कमाने का मोड है, कुत्ता बिल्ली का समाज है, ऐसा हो गया। भगवान अभी अर्जुन को समझा रहे हैं तो देखो ठीक है, कुछ समझाने तो ठीक चलेगा, चलो ठीक है, लेकिन कम से कम ये तो करो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युद्धस्य नैवम पापम अवाप्सि। इतना तो करो, सुख और दुख समा ज्ञान करो, समान ज्ञान करो, ये भी संभव है, संभव होनी चाहिए, नहीं तो होगा नहीं। सुख है दुख के समय कृत्वा ये दोनों को समान बना लो, लाभा लाभो जया जयो प्रॉफिट एंड लॉस जय पराजय पूरा समान प्लेटफॉर्म में रखो। ये तुम्हारा कुछ नहीं है, तुमको करना है तो करो, युद्ध करना तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा क्षत्रिय धर्मो, तुमको युद्ध करना तुम्हारा सधर्म है, तो बस इसलिए करो, और कुछ चीज तुमको चिंता में लाने का जरूरत है नहीं, ये तुम्हारा हाथ में नहीं है। तुम्हारा कर्तापन को छोड़ो, तुम्हारा कर्तापन को छोड़ो, तुम युद्ध करोगे, तुम मारोगे पितामह विश्व को, ऐसा कैसे सोच लिया, ऐसा कैसे सोच लिया, ये तो अभी भी खड़ा हुआ है। तुम सोचते हो मारा जाएगा, हम मारेंगे कैसे, अरे तुम मरने वाले कौन हो, कैसे ऐसे निश्चय कर लिया, तुम्हारा इतना हिम्मत है, पितामह विश्व को मारोगे, दिनाचार्य को मारोगे, हैं क्या बात है, पूरा अभिमान भरा हुआ है, फेंको इसको, पहले ये अभिमान को फेंक के काट के फेंको पहले, उसके बाद। और कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फलो कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा पूर्व संस्कार का अनुसार तुम्हारा अभी का हालत पैदा हुआ, और इस स्थिति में जो तुम्हारा संस्कार उसी इसको पालन करो, फल क्या होगी ना 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 इसका चिंता मत करो, फल का चिंता मत करो, फल का चिंता मत करो, ये तुम्हारा हाथ में नहीं है, ये छोड़ दो ठाकुर जी का हाथ में, क्या फल देना है नहीं है। नेताजी सुभाष बोस ने कितना कष्ट किया बोलो, किया नहीं, प्रभुपाद जी का पास भी आया कृपा लेने के लिए, और बोला हमारा दो दस नौजवान हमारा हाथ में दे दो युद्ध करे, प्रभुपाद जी बोला आपका हाथ में दे दे कि आपका जो नौजवान है दो चार हमारा हाथ में दे दो, है क्या कह रहे हो बकवास। प्रभुपाद जी ने समझाए, महाराज आपका पास आया दो चार नौजवान को दे दो मेरा हाथ, हम युद्ध करने जा रहे हैं, अब तुम युद्ध करने जा रहे। प्रभुपाद बोला देखो ये हम जो लगा रहे हैं ये सब आ रहा है, ये तो ठाकुर जी का सेवा में लग रहा है, आप जो अपारेंट वर्ल्ड में हो ना, अपेक्षित आपका देश धर्मो लोक धर्मो समाज धर्मो आपका बड़ा है, मेरा सामने तो अपेक्षित धर्म कुछ नहीं है, भगवत धर्मो नित्य धर्मो यही तो है, इसमें ये सब जवान लोगों को सब ठाकुर जी के चरण में मैं पुष्पांजलि दे दिया, और ठाकुर जी का सेवा के लिए तैयार है कर रहे हैं, और आप देश का मुक्ति के लिए
विचार कर रहे हो, आप विचार करके बताओ असली मुक्ति आप दे सकोगे? असली मुक्ति तो ये साधु संतों का पास है, वो ठाकुर जी का भजन करके गुरु वैष्णव का अनुगत करके नित्य नित्य धाम को पधर जाएगा। आप तो युद्ध कर रहे हो, मुक्ति दिलाओगे, क्या मुक्ति दिलाओगे? ये तो अपारेंट है, दिस योर मुक्ति, दिस टर्म, दिस मुक्ति, दिस टर्म यू आर यूजिंग इज ऑल अपारेंट। देश को स्वाधीन बनाना, युद्ध करना, ये करना, वो करना, फलाना, ये सब तो अपारेंट अपेक्षिक है। इसी जन्म में आप अंग्रेज का विरुद्ध में लड़ाई करोगे, देश को स्वाधीन बनाओगे, मुक्त दिलाओगे। दूसरे जन्म में अगर ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में आपका पैदा हुआ, जन्म हुआ, तो फिर आप भारत को शत्रु मानोगे, मानोगे नहीं? बोले हाँ तो ठीक है, तो जानते हो गीता पाठ करते हो, जानते हो। दूसरे जन्म में अगर ठाकुर ना करे, दूसरे जन्म में अगर आप इंग्लैंड में पैदा हो जाओ, तो बोलेगा भारत शत्रु है, मारो भारत को, भारत को कैप्चर कर लो, यही तो करोगे। तो अपेक्षिक है, दुनिया वाले दुनिया का काम करे, दुनिया वाले दुनिया का चिंता करे, और हम ठाकुर वाले हैं, ठाकुर जी का चिंता करें। किस किस को समझाने जाए, इतना बड़ा पृथ्वी है, कितना बड़े लोक है, कितना प्रचारक जा रहा है, हम कुत्ता का मां भी चिल्ला रहा है, किस किस का पास मेरा जवान पहुंचेगा? कहो, मैं तो जाने वाला नहीं हूं, समय नहीं। ऐसा करके ठाकुर जी ने तर्क दिया, युद्ध करना है, इट इज योर ड्यूटी, दैट्स व्हाई यू विल हैव टू डू। युद्ध करना तुम्हारा फर्ज है, यू विल हैव टू डू इट, ये करना तुम्हारा, तुम फल का बारे में सोचो मत, व्हाट इज द रिजल्ट, डोंट थिंक अबाउट दैट, इसका बारे में सोचो मत, ये तुम्हारा का हाथ का काम नहीं है। सुभाष बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कितना कितना अच्छा आदमी है, इसका इसके चेहरे पर देखने से ही लगता है कि साधु है, इतना मीठा, अरे हमको तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम सादा सीधा, इतना सुंदर है, मासूम, देखने से ही पता चलता है, इसमें कोई कपट भाव नहीं है, कोई बदमाश नहीं है, इतना अच्छा है। और बाकी कुत्ता बिल्ली को देखो, जो लोग बदमाशी करके इसको है ना गद्दारी किया, देखो इसका नाम चढ़ गया समाज में, चप्पल से स्वागत करना चाहिए बदमाश लोगों को, सब बेईमान है, गद्दार है सब। तो ये जो सुभाष बोस क्या हुआ बोलो, इतना कष्ट किया, इतना करोड़ों करोड़ों रुपया का जेवरत है सारे इलाके, और सब लूट हो गया, देश को स्वाधीन करे, उन्होंने तो बोल दिया था, प्रभुपाद को बोला भी था, जब महाराज आपका सब प्रभुपाद आपका सामने आए, जब प्रवचन सुने हैं, अभी हमारा मन लगता है कि अभी आपका चरण में हमारा जीवन जिंदगी अर्पित कर दे, लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? कि हम देशवासी के सामने प्रतिज्ञा कर चुके हैं, जो हमको खून दो हम तुमको स्वाधीनता देंगे, ये हमने कह चुके, हमारा प्रतिज्ञा है, और वापस नहीं आ सके, क्या करें? हैरान करने वाली बात है, कितना सुंदर ऊंचा विचार है, लेकिन देखो अपारेंट दुनिया में सारे फंस गया। इतना अच्छा अच्छा आदमी अगर हमारा गौड़ीय वैष्णव समाज में आते तो बहुत अच्छा होता, हम तो चाहते हैं बड़े बड़े और बड़े बड़े शिक्षित समाज चले जाते हैं एक्स वाई मिशन में, क्योंकि उसमें मछली डीम खाने का सुविधा मिलेगी, और उल्ट उटपटांग है धर्म का नाम भी, ओ अच्छा है नाम जस, अब वैष्णव धर्म तो नहीं, परम विजय माधव गोस्वामी महाराज जैसा, श्रीधर गोस्वामी महाराज जैसा, ऐसा बड़ा बड़ा, यही तो गौरिया मठ का संपत्ति है। गौरिया मठ का संपत्ति ये नहीं कि हम बाहर से है ना 80 करोड़ रुपया लाया, ये संपत्ति नहीं है, संपत्ति तो ये लोग है, संपत्ति तो ये लोग है, ये लोग को मारो काटो फेंक दो गौड़िया मठ का बाहर, ये कौन सी विचार है? ये लोग अगर चले जाए तो गौड़िया मठ तो इसको इनके साथ चलते हैं, गौड़िया मठ ये तो चलता फिरता गौड़िया मठ है, जहां भी जाए ये लोग, जहां भी जाए हमारा गौड़िया खानदान का काबिल जो महा महापुरुष है, जहां भी जाए गौड़िया मठ पैदा हो जाए, वहां प्रकट हो जाए। आप क्या समझते हो?
क्या समझा गौरिया मठ के बारे में? उठपटांग सब देखने के बाद क्या समझा ये गौरिया मठ है? कुछ नहीं समझा। गौरिया मठ क्या है ये समझने की कोशिश करो तो भगवान का ये कहना है कि अर्जुन तुम फल का बात मत सोचो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा ड्यूटी है, क्षत्रिय होने के नाते और युद्ध शुरू होने जा रहा है, तुम बैठा इतना तुम्हारा ये सब बातें बना रहा हूं उचित नहीं है। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्ध है, दैट इज वाई युद्ध करना जरूरी है, ये तुम्हारा ड्यूटी है, दैट इज वाई यू हैव टू डू, बस और कुछ नहीं। ये अगर कर सकोगे तो तुम जो पाप पुण्य का हिसाब उतार रहे हो, अकाउंट कर रहे हो कितना पाप हो कितना पुण्य, अरे ये सब छोड़ो, पाप पुण्य का हिसाब छोड़ दो, ये सब मेरा ऊपर जुमा छोड़ दो। नैवम पापम अभाव शशि, तुम्हारा कुछ पाप नहीं होगी ना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, छोड़ दो ये सब, बस ये तैयार कर लो कि तुम इसी हालत में युद्ध कर सकोगे, सुख दुखों को समान मान लो और प्रॉफिट एंड लॉस ये समान मान लो, जय पराजय इसको समान मान लो, ये कर सकोगे क्या? ये अगर कर सको ठीक है, बस ये है महाराज निष्काम कर्मयोग का फॉर्मूला है। प्रवचन देना बहुत आसान है, निष्काम कर्मयोग का ये फॉर्मूला है, ये समझना बड़ा दूर की बात है। कभी अगर आज ये समझ लो तो हो गया तुम्हारा बेरा प्यार, तुम्हारा बेरा पार हो जाए, वाह इतना ऊंचा विचार है। बोलना बहुत इजी है लेकिन अपना जीवन जिंदगी में अप्लाइड फॉर्म में दिखाना ये बड़ा मुश्किल, फिर भी संभव है, क्योंकि हम हमारा गुरु वर्गों का ऊपर आस्था रखने वाले, हर हालत में मेरा विचार ये है कि हमारा गुरु वर्गों कोई साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है। हमारा गुरु वर्ग में प्रभुपाद आता है, हमारा परम गुरुजी प्रभुपाद है, भक्ति प्रमोदपुरी के विषय में जहारा जैसा इतना बड़ा ऊंचा किस्म का संत है, आह भगवान का निजी जन श्रीधर गोस्वामी महाराज, केशव गोस्वामी महाराज, ये सब कितना बड़ा बड़ा गोस्वामी महाराज, क्या ये लोग है हमको पार नहीं करे, ये लोग है हमको पार नहीं करे, ऐसा हो सकता कभी? ऐसा कभी हो सकता कि वो लोग है केशव गोस्वामी महाराज है हमको उठाएंगे नहीं है, हमको फेंक देंगे? बस हमारा अंदर में सिंसियरिटी होनी चाहिए, डुप्लीसिटी नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही काफी है। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारो करुणा सारो, योग्यता का विचार करने जाए तो गुरुजी तो मैं दिखा का काबिल ही नहीं हूं, अजा भाग हम तो दिखा नहीं मिलेंगे हमको। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारो करुणा सारो, ऐसा तो कीर्तन में गाते हो अनुभव में नहीं है। योग्यता विचार करने जाए गुरु जी कि हम दीक्षा का काबिल है कि नहीं तो पहले हमको ही फेंक देंगे, जब आप दीक्षा लेने आए कुछ नहीं हुआ कचरा है बड़ा महाराज, कुछ भी है हमारा अंदर में जितना भी कमी है जितना भी खोटा है हमारा कैरेक्टर सब कुछ भी है, फिर भी एक चीज अगर हो जाए कि गुरु जी में मेरा शरणागति बन जाए, बस इतना ही काबिल, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है फिर भी ठीक है, एक शरणागति बन जाए गुरु जी के, वास्तव शरणागति, बस तमाम पावर शक्ति जो है गुरु की पा ही केवलम, गुरु जी से सामा। हम क्या दर्शन का स्टूडेंट है क्या? हम दर्शन का स्टूडेंट है? लैंग्वेज ग्रुप में सबसे कम नंबर मिलते थे बांग्ला में, अंग्रेजी में और भी अच्छा कुछ नहीं मिलते थे हैं लैंग्वेज ग्रुप में, साइंस ग्रुप में थोड़ा बस, तो क्या कहां से कर दिया गुरुजी, आने का बाद मेरे को सेवा में लगाया, ए ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करके करो, ए क्या लिखा है तो गलती लिखा है ठीक नहीं है, हाँ ऐसा करके सिखाए ठीक है,
गुरुजी से अगर प्यार बन गया तो कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। ये गुरुजी कृपा करके रहेंगे, ये मेरा 100% निश्चय है। इतना करुणामय है, प्रभुपाद है, गुरुजी है, केशव गोस्वामी महाराज, श्रीधर गोस्वामी, आह हम तो सोच भी नहीं सकते। एक एक ये लोगों का विचार सुनते हैं हैरान हो जाते, कितना ऊंचा विचार है और हम कहाँ पड़ा हुआ है, वो लोग कहाँ है भाई, कहाँ पहुंचना है हमको, इसी जिंदगी में पहुंचना है, और लेट करे तो कैसे हो सकता। लाइफ इज वेरी शॉर्ट, जिंदगी बड़ा छोटा है। लाइफ इज गोइंग बट आई एम प्लेइंग, जीवन जिंदगी जा रहा है, मैं खेल खेल में बिजी हूं, ऐसा क्या है। बड़ा दुख की बात है, जिस गौरीय खानदान में इतना बड़ा बड़ा ज्वेल, पृथ्वी में कोई ऐसा नहीं जो इसका बराबरी करे, गौरीय मठ, गौरीय मठ का बराबरी करने वाला जिन्हें कुछ नहीं पैदा होगा, हुआ भी नहीं है भी नहीं और फ्यूचर भी नहीं। कोई अगर कंपटीशन करने चाहे वो सोसाइटी धूली में मिट जाए, मेटेरियल सोसाइटी, स्पिरिचुअल सोसाइटी तो है ही नहीं, जितना भी बड़ा है मेटेरियल सोसाइटी है, मिट्टी में मिल जाएगा। गौरीय मठ ऐसा है। तो भगवान अंतिम में ऐसा समझा रहे अर्जुन को, अर्जुन अगर मान जाए तो ठीक है सारे समाधान। और ठाकुर जी विचार करते करते ये श्लोक काल चर्चा हो पाएगा। एषा ते अविहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम श्रृणु बुद्ध्या युक्तो जया पार्थो कर्मबंधम प्रहाससी, कर्मबंधम प्रहाससी। एषा ते अविहिता, ये जो इतना तक हमने बताए, एषा ते अविहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम श्रृणु, अभी सुनो। बुद्ध्वा युक्तो जया पार्थो कर्मबंधम प्रहाससी, ये जो बुद्धि योग जो है ये क्या है, ये काल चर्चा हो पाएगा, आज नहीं इस समय। जो भी है धीरे धीरे विचार करते रहे, सुनते रहे, और सिर्फ सुने नहीं, जीवन जिंदगी में आप भी पालन करो, मैं भी पालन करने का वादा करता हूं, मेरा निश्चय है, आप जानते ही हो, मैं पालन करने के लिए निश्चय हूं, चाहे मेरा जीवन चला जाए फिर भी मैं पालन करने में निश्चय हूं, छोटा मोटा आदमी हूं, कोशिश में लगे हैं, बस आप सभी का आशीर्वाद, यही मेरा संपत्ति। इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम पतति अवश्यम परिणाम पेशलम किमौषधम पृच्छसि मूढ़ो दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिबो, निरामयम कृष्ण रसायनम पिबो। वांछा कल्पतरुषि के पासिंद व्यवच पतितानं पावन भविष्णुभ्यो नमो नमः।